जब भी हम कभी नया फ़ोन या नया कंप्यूटर या पीसी खरीदने चाहते हैं तो सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। पर ये प्रोसेसर क्या चीज़ है? अगर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर अगर नहीं है तो फिर वो कैसे चलेगा? और प्रोसेसर की इतनी बड़ी भूमिका कंप्यूटर फ़ोन में क्या रोल अदा करती है? ये सारी छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी जानकारियाँ इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। और अब हम जानते हैं प्रोसेसर क्या चीज़ होती है और इसका कितना बड़ा रोल है। आज मार्केट में प्रोसेसर की कितनी बड़ी जगह हो चुकी है। जब भी हम किसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेसर की बात ज़रूर हमारे दिमाग में आती है। एक कंप्यूटर किसी प्रोसेसर के बिना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि किसी किसी प्रोसेसर की एफिशिएंसी कम होती है तो कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन सभी कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर होना अनिवार्य है। इस प्रोसेसर के कई नाम से आपने सुना होगा। आपने कॉमनली स्कूल, जब आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा तो आपने उसे CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसर, और इसे माइक्रो प्रोसेसर CPU यानी फुल फॉर्म है, और इसे आपने माइक्रो प्रोसेसर, इन सभी नामों से आपने सुना ही होगा। पर इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यूं कहें तो ये किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सारी गतिविधियां पर नजर रखे होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जिससे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के काम को हैंडल करता है। देखा जाए तो बेसिकली एक ऐसा हार्डवेयर है जो सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है। जब उसे कुछ इनपुट मिले तब उसे प्रोसेस करता है और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट निकलता है। ये सारा काम प्रोसेसर के द्वारा होता है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे, पर बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पर क्या आपको पता है कि ये छोटी सी चीज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अकेले प्रोसेस कर लेती है? तो आज हम इस प्रोसेसर के बारे में जानेंगे कि प्रोसेसर काम कैसे करता है, कंप्यूटर हो या फोन हो। मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहती हूँ, तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर के एक बहुत ही प्रमुख एक पार्ट है। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी कि माइंड या मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के इंटरनल को सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूं कहें तो यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है कि ये सेंट्रली सबको प्रोसेस करता है। ये एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारे डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। इसे CPU के नाम से भी आपने बहुत सुना होगा। अब बात करते हैं कि ये आखिर दिखता कैसा है और अब हम इसे कैसे पहचान पाएंगे कि ये प्रोसेसर है। ये दिखने में एक स्क्वेयर शेप का डिवाइस है जिससे कि कई मेटेलिक शॉर्ट और राउंडेड कनेक्शन नीचे निकले हुए होते हैं। इसे CPU के सॉकेट में ही अटैच किया जाता है और बहुत देर चलने के बाद ये थोड़ा गर्म हो जाता है। इसी कारण ये हीट को निकालने के लिए हीट सिंक और फैन इसके ऊपर लगाया जाता है ताकि इसको कूलिंग मिलता रहे। ये बहुत ही नाजुक से चीज़ होती है जिस कारण से इसे बड़े ध्यान से मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये बहुत से प्रकार के आते हैं, जैसे कि इंटेल के प्रोसेसर i3, i5 और i7। अब हमने इसके बारे में जान लिया है कि कैसा दिखता है, अब हम इसे कैसे पहचानेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि CPU को आप कैसे पहचानोगे। अब हम देखते हैं कि CPU काम कैसे करता है, कंप्यूटर में हो या फ़ोन में हो या लैपटॉप में हो। CPU बेसिकली तीन बेसिक काम करता है। पहला, ये इंफॉर्मेशन लेता है। दूसरा, ये उस पर कुछ ऑपरेशन करता है। और तीसरा, ये कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आपको देता है मॉनिटर के थ्रू। लेकिन इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए इसे कुछ की कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है, जैसे ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, बाइनरी में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, इसके साथ वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी करते हैं। अब हम बात करते हैं CPU के लेटेस्ट वर्जन की। आजकल तो नाम के साथ साथ इनकी आर्किटेक्चर भी बदल गई है। आमतौर पर अब दो ही प्रकार के आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जैसे 32 बाइट और 62 बाइट। इन आर्किटेक्चर की बदौलत अब प्रोसेसर की स्पीड और कैपेबिलिटीज भी काफ़ी बढ़ गई है, जैसे AMD ऑपरॉन सीरीज और इंटेल इंटेनियम एक्सॉन सीरीज वाले प्रोसेसर को सर्वर और हाई एंड स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए छोटे डिवाइस जैसे स्मार्टफोन और टेबलेट, तो वो ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आमतौर से साइज में छोटे होते हैं और इन्हें कम पावर की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। अब आपने बहुत सुना होगा कि प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को कैसे हमें पहचाना जाए, तो हम इसे डिटेल में जानकारी जानते हैं कि क्लॉक स्पीड को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। जैसे 1 MHz का मतलब है कि 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, और या फिर गीगाहर्ट्ज़, इसका मतलब 1 GHz का मतलब है कि 1000 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। एक जनरल सेंस में कहे तब
जितनी ज़्यादा सीपीयू की स्पीड होगी उतनी ही बेहतर आपको कंप्यूटर परफॉर्म करके देगा। उसका मतलब ये होता है आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको आउटपुट मिलेगा। दूसरे कंपोनेंट जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स जैसे कि ड्यूल कोर और क्वाड कोर के ऊपर भी कंप्यूटर की स्पीड निर्भर करती है। ये सीपीयू स्पीड से ये पता चलता है कि वो कितने कैलकुलेशन एक सेकंड में कर सकता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ज़्यादा कैलकुलेशन वो परफॉर्म कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर और भी फास्टर रन करेगा। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के कंप्यूटर प्रोसेसर अवेलेबल है जैसे कि इंटेल और एएमडी, लेकिन वो सभी समान सीपीयू स्पीड स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा प्रोसेसर कितने स्पीड में रन करता है। अब आपने ये भी सुना होगा कि प्रोसेसर में कोर क्या होता है, कोर कैसे हम जाने, इसे भी हम बिल्कुल साधारण शब्दों में समझते हैं। प्रोसेसर में उनके कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होते हैं। एक सामान्य प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है, यानी कि वो सिंगल सीपीयू होता है। वहीं ड्यूअल कोर प्रोसेसर में दो समान फ्रीक्वेंसी वाले दो प्रोसेसर सर्किट होते हैं। ये सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में डबल स्पीड से काम कर सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। फिलहाल मार्केट में बहुत से अलग अलग कोर के प्रोसेसर उपलब्ध है, जैसे कि ड्यूअल कोर में 2 कोर, क्वाड कोर में 4 कोर, हेक्सो कोर में 6 कोर, ऑक्टा कोर में 8 कोर और डेका कोर में 10 कोर। जिस प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होगा वो उतना ही सक्सेसफुली मल्टीटास्किंग से आपको उसी समय वो सारे मल्टीटास्किंग कार्य वर्क कर सकता है। जिस प्रोसेसर में जितना ज़्यादा कोर होगा वह उतनी ही सक्सेसफुली आपको मल्टीटास्किंग वर्क परफॉर्म कर सकता है। आई होप मैंने आपको जितने भी प्रोसेसर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई सवाल आपके मन में रहता है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप उसमें आराम से आसानी से पूछ सकते हैं, आपके मन का डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के नॉलेज के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।